30 लाख रुपीज़ है और यहाँ पे सारे लेने के लिए आया हूँ आईफोन 16 प्रो मैक्स। अब देख, और मुझे अभी भी पता चला है गाइस, तो मैं आ चुका हूँ जियो वर्ल्ड ड्राइव। तो मैं जियो वर्ल्ड ड्राइव क्यों आया हूँ मैं आपको बता देता हूँ। तो फाइनली लॉन्च हो चुका है आईफोन 16 प्रो मैक्स। तो आईफोन 16 प्रो मैं लेने के लिए आया हूँ आईफोन 16 प्रो मैक्स। अब देखते हैं जो मुझे कलर चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं, और क्या क्या न्यू फीचर्स हैं, क्या क्या उसमें नया ऐड हुआ है। क्योंकि 15 प्रो मैक्स तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन 16 प्रो मैक्स में क्या न्यू है मैं वो देखूंगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा मुझे लेना है कि नहीं लेना है। तो देखते हैं। तो जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल कितना सुंदर है आप लोगों को तो पता ही होगा, जो बॉम्बे में रहते हैं वो ज़रूर आए होंगे, और जो नहीं आए हैं उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना लेता हूँ। और वैसे मैंने पहले भी आई थिंक मैंने इस मॉल का शूट किया हुआ है, क्योंकि मैंने 15 प्रो मैक्स अभी रिसेंटली थोड़ा 8-9 महीने पहले ही खरीदा था, तो इस मॉल का मैंने आई थिंक डाला था। तो यहाँ का एप्पल स्टोर भी इतना ब्यूटीफुल, इतना बड़ा है ना, शायद मुंबई में एक ही एप्पल स्टोर है जो पहली बार शायद बनाया गया था। बहुत ही अच्छा एप्पल स्टोर है, चलिए वो भी दिखा दूंगा मैं आप लोग को, जो जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं। तो जिसको नहीं पता होगा मैं उनको बता दूँ, BKC बहुत ही महंगा एंड कॉस्टली एरिया है। तो यहाँ पे जो एप्पल स्टोर का प्राइस है, जो मंथली उसका रेंट है, वो कुछ 30 लाख रुपीज़ है। और यहाँ पे सारी आपको बड़ी ब्रांड्स दिख जाएंगी, जैसे कि डीजल, गुची और काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रांड्स। और ऐसे भी बड़ी ब्रांड्स के लिए आपको पता है जियो वर्ल्ड प्लाजा है, उसका मैंने ऑलरेडी ब्लॉग किया हुआ है, तो अब वो आप चेकआउट कर सकते हो। सेम पहुँचे तो क्या हवाएँ चल रही हैं। बहुत अच्छा वेदर हो गया अचानक से, और मेरे साथ में आया है बर्थडे बॉय, जिसका बर्थडे अब छा चुका है। तो आ चुके हैं एप्पल स्टोर के एकदम पास में, ये देखिए। और ये स्टोर बाहर से आपको लगेगा क्या बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर स्टोर है, एकदम प्रीमियम बनाया हुआ है। और शायद ये स्टोर हर जगह पे नहीं है, दिल्ली में है एक, और एक बॉम्बे में है जहाँ तक मुझे पता है। A few minutes later. फोन अवेलेबल नहीं है अभी, लेकिन हम लोग देखने के लिए तो जरूर जाएंगे। तो जहाँ से एंट्रेंस है वहाँ से नहीं, आपको मॉल के अंदर से आपको जाना पड़ेगा। तो ये मॉल के अंदर का साइड है जहाँ पे आप देख रहे हो, ये लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए, तो यहाँ पे हमको वेट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। A few moments later. तो गाइज मैं अंदर आ चुका हूँ, अभी फ़ोन देखते हैं, और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं आपको सब दिखा देता हूँ मैं। तो अंदर से एप्पल स्टोर देख रहे हो, एकदम फील आ रहा है ना कि आउट ऑफ इंडिया का है, लेकिन ये इंडिया में ही है। तो गाइस आप देख रहे हो ये 16 प्रो मैक्स, ये न्यू कलर, थोड़ा गोल्ड भी लग रहा है और कभी कभी वाइट भी दिख रहा है। और इसमें चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ, क्लियरली दिख रहे हैं बेजल्स एकदम इसके पतले हो गए हैं। साइड में इसके कैमरा स्पेशल बटन है, आप इसको जैसे क्लिक करोगे, तो आपको जैसे क्लिक करोगे ना, तो इसमें जूम आउट जूम इन का ऑप्शन है, और इससे डायरेक्ट वीडियो भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये को थोड़ा समझना पड़ेगा हम लोग को। कैमराज वगैरह सब आपको सेम ही देखेंगे, साइज़ वगैरह चेंज नहीं हुआ है, बस हाँ बॉडी का साइज और बढ़ गया है, थोड़ा साइज और बढ़ गया है, आई थिंक 5.9 हो गया है इसका साइज। और ये है प्रो, ये है प्रो मैक्स एंड ये है प्रो, दोनों ही साइजेस आप देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया गया, थोड़ा बढ़ा दिया गया है दोनों ही साइजेस को, लेकिन इसका हैंड फील देखते हैं। और इस टाइम पे ये कलर आपको अवेलेबल भी नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बात है अभी न्यू लॉन्च हुआ है, तो कोई भी न्यू कलर ही खरीदता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप बुकिंग वगैरह यहाँ पे करवा के जा सकते हैं। कैमरा चेक कर लेते हैं। तो गाइस देखिए एकदम अभी की फोटो आई है और कितनी क्लियर आई है, आपको हर चीज़ दिख जाएगी, ज़्यादा देखना भी नहीं चाहिए, लेकिन फोटो बहुत अच्छी आ रही है, क्वालिटी मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। इसको भी आई थिंक 48 मेगापिक्सल का कर दिया गया है, और अब इसमें तीनों कैमरे 48 मेगापिक्सल के हैं, पहले दो कैमराज 48 मेगापिक्सल के थे।
इसकी वीडियो क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं। हाँ अब ये 4K 128 पे आई थिंक शूट करेगा ना, वो पता नहीं मुझे, आई थिंक देखना चेक करना पड़ेगा। देख हाँ ऐसे शूट करेगा क्या? हाँ तो गाइज अब इसमें 4K 120 आप शूट कर सकते हो, तो क्वालिटी तो गजब होने वाली है, आउटस्टैंडिंग क्वालिटी होने वाली है 100%। तो मैंने पूरा पापा क्लिप ले लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप समझ रहे हो, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ बहुत डिफरेंस है 15 प्रो मैक्स एंड 16 प्रो मैक्स के कैमरे में, आउटस्टैंडिंग क्वालिटी आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब 2 सेकंड का ही क्लिप लिया है और मज़ा आ गया, सच में अच्छी है ना। बाकी मैं सिर्फ कलर्स आपको दिखा देता हूँ, न्यू कलर है ये एक हो गया, एंड चलिए दूसरा कलर भी देख लेते हैं, ये डेजर्ट टाइटेनियम है राइट, और ये जो पहले से है टाइटेनियम ग्रे जो लास्ट ईयर भी था, एंड एक आई थिंक ये होगा इसमें भी, मतलब ये भी प्रो में दोनों में मिलता है। इसमें वाइट जो मेरे पास ऑलरेडी है वाइट, और मुझे तो पर्सनली पता नहीं वाइट कलर ही बहुत प्रीमियम लगता है हमेशा से, और वाइट नहीं है आउट ऑफ स्टॉक। मैंने आपको 16 प्रो एंड प्रो मैक्स दिखा दिया है, अब मैं आपको 16 प्लस एंड 16 दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये 16 प्लस और इसका ये न्यू कलर है ब्लू कलर, तो मुझे पता नहीं इसको क्या बोल रहे हैं ब्लू के अलावा, बट इसका कलर बहुत बहुत मस्त लग रहा है देखने में, सामने से एकदम प्रीमियम लुक दे रहा है, और ये बड़े साइज में है प्लस एंड 16, साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, बाकी दोनों के जो भी आप मेन्यू देखोगे फीचर्स देखोगे पूरे सेम है एकदम, और इसमें जो जो कलर्स अवेलेबल है वो देखिए लाइंस लगे हुए हैं, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। दो न्यू कलर्स आए हुए हैं, एक ब्लैक एंड वाइट तो कॉमन है जो रहता ही है, एंड सेकेंडली ये ब्लू ग्रीन पिंक, ये तीन नए कलर्स हैं, और इसका कैमरा भी 48 मेगापिक्सल का हो चुका है, और इसका प्राइस रेंज आप लोगों को पता ही होगा, प्राइस रेंज तो अभी अवेलेबल तो नहीं है फ़ोन, लेकिन और भी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं बुकिंग तो करवा ही दूंगा अपने फ़ोन की, जब आएगा तब मिल जाएगा, लेकिन और इसके ईयरपॉड्स आए हुए हैं नए, और भी बहुत सी चीज़ें आई हुई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और आप भीड़ देख रहे हो कितनी ज़्यादा लगी हुई है, अब आप देखोगे पूरा एप्पल स्टोर फुल है, प्लान कर रहे हो तुम क्या सोचा जा रहा है, क्या प्लान क्या लेना है, तो हम लोग प्रो ले रहे हैं कि प्रो मैक्स ले रहे हैं, प्रो की प्रो मैक्स, हम लोग 17 प्रो मैक्स ले रहे हैं। मस्त जोक मारा रे, अब हर चीज देखोगे तो क्या हर चीज खरीद लेंगे क्या हम लोग। तो चलिए गाइस अब मैं वॉचेस दिखा देता हूँ आप लोगों को, और हेडफोन जो आए हैं एप्पल के न्यू वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइज जो वॉचेस हैं और हेडफोन्स हैं वो ऊपर की तरफ है, 2 फ्लोर्स का है ये एप्पल स्टोर, तो हम ऊपर चलते हैं और वॉच देखते हैं, आइए। तो आप देख रहे हो नीचे का फ्लोर एंड ऊपर का फ्लोर एप्पल स्टोर, यहाँ से आप डायरेक्ट बाहर निकलोगे तो मॉल स्टार्ट हो जाता है जियो वर्ल्ड ड्राइव, और मुझे अभी भी पता चला है कि यहाँ पे अभी वॉचेस नहीं आई है, वॉच नहीं आई है, अवेलेबल नहीं है अभी, और शायद हेडफोन्स भी अभी नहीं आए हुए हैं, तो शायद सिर्फ अभी फ़ोन्स ही रिलीज हुए हैं, तो अभी सिर्फ यही आपको मैंने फ़ोन दिखा दिया, अगर आप चाहो तो मैं मॉल का अंदर का लुक भी आप लोग को दिखा देता हूँ। गाइस वैसे तो मैंने सोचा कि मैं मॉल का शूट नहीं करूँगा, बट ये तो आपको दिखाना बनता था, तो आप देखिए कितना मस्त और कितना ब्यूटीफुल ये मॉल का एंट्रेंस है, आप देखोगे एप्पल स्टोर से आप जैसे ही बाहर आएंगे तो आपको ये पूरा मॉल दिख जाएगा इस तरीके से। तो इस मॉल का नाम है जियो वर्ल्ड ड्राइव, और ये बहुत प्रीमियम मॉल है, आपको सब लग्जरी ब्रांड्स यहाँ पे दिखेंगी। मेरे पीछे देख रहे हो कोफुकू करके रेस्टोरेंट है, इस यहाँ पे कोरियन फूड आपको मिल जाएगा, और अगर आपको इंडियन फूड चाहिए इटालियन फूड चाहिए तो यहाँ पे और भी रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे नॉर्मल मॉल्स में ऊपर सब कुछ अवेलेबल मिलता है सब कुछ, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि मेरे को सूप पीने का बहुत मन हो रहा था, तो मैंने अपने लिए डम्पलिंग सूप ऑर्डर किया है, चिकन डम्पलिंग सूप,
थोड़ी देर में आएगा वो, और मैं सिर्फ सूप ही पीने वाला था, और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। तो आप देख रहे हो मेरे पीछे ही रेस्टोरेंट है, काफ़ी फैंसी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, नाम भी काफ़ी फैंसी से हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि सूप का टेस्ट कैसा है, मैं आपको बताऊँगा। और अगर उसके बाद आप कभी आते हो यहाँ पे, तो आप भी यहाँ पे काफ़ी कुछ खाने के लिए है। मैंने यहाँ पे पहले हम्मस ब्रेड पीटा इसे ट्राई किया हुआ है, काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें मैंने कुछ नया जापानीज सूप ऑर्डर किया, फर्स्ट टाइम मैंने कुछ जापानीज ऑर्डर किया। वैसे मैं कोरियन चाइनीज ये सब तो खा चुका हूँ, मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई करना था, तो ये मैंने लिया है। कभी आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आ चुका है हमारा चिकन डम्पलिंग सूप। तो इसको कुछ इस तरीके का दिख रहा है, एकदम ऐसे लिक्विड पानी पानी सा ही है, और इसमें ऐसे डम्पलिंग के पीसेस दिए गए हैं, तो बेसिकली मोमोज ही होते हैं आई थिंक। ऊपर से एग वाइट दिया हुआ है और अंदर डम्पलिंग्स हैं, बेसिकली मोमोज, चिकन मोमोज दिए हुए हैं अंदर। तो अभी मैं इसको टेस्ट करता हूँ, पहले सूप ले लेते हैं। सॉल्टी थोड़ा ज़्यादा है, मजा नहीं आ रहा है, और एकदम ऐसा लग रहा है कि चिकन का स्टॉक होता है ना, तो चिकन स्टॉक वही है। अब डम्पलिंग को शायद कट करके देखता हूँ मैं कैसा है। इसके अंदर प्रॉपरली चिकन अंदर से स्टक किया हुआ है बहुत सारा। ऑनेस्टली बहुत ओके ओके है, मेरे को ज़्यादा बहुत पसंद नहीं आया, ओके ओके है। आप ट्राई करना चाहते हो, कुछ न्यू है, बट मुझे वर्थ नहीं लगा जितना इसका प्राइस है, उसके हिसाब से वर्थ नहीं है। थैंक यू शेफ। तो इस साइड मैंने देखा कुछ छोटा सा एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो मैं जाके चेकआउट करता हूँ क्या है वो। और देखने में काफ़ी लाइट्स वगैरह लगी है, तो अट्रैक्टिव लग रहा है, तो मुझे लग रहा है मुझे एक बार देखना चाहिए जाके। तो चलो देखते हैं क्या है वहाँ पे। चलो आओ, यही था एप्पल स्टोर का वीडियो।
बाकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे, जो जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे मैंने वो आपको दिखा दिए। तो इसी के साथ मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए। और अब अभी मैंने अपना वेट लिस्ट में डाल दिया है ना, अब देखते हैं फ़ोन कब अवेलेबल होता है, कब मुझे मिलता है, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।